खमा गणिसा, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा कि हम लोग आज कुछ पोशाक से रिलेटेड बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पेवर की पोशाक को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक बहुत अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि पेवर के जो कपड़ा होता है उसमें ज़्यादातर यही होता है कि अगर वो ध्यान से नहीं रखी गई तो या तो वो कट जाती है या फिर उसका कलर फेड हो जाता है, और ये शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन तभी अगर आप पोशाक को अच्छे से या फिर पेवर की ड्रेस को अच्छे से नहीं रखते हैं तो इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि पेवर की पोशाक या फिर पेवर की जो ड्रेस है उसको किस तरीके से आपको घड़ी करके रखना है, किस तरीके से उसको समेट के रखना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो आपको न्यूज़पेपर का यूज़ करना होगा, और जब आप उसको पूरा फोल्ड कर लेते हैं उसके बाद आपको उसको अलमीरा में, कबर्ड में, मतलब कहीं भी रखने से पहले उसको कोई भी पुरानी या जो कॉटन की उड़नी आपके यूज़ नहीं आ रही हो उसके अंदर उसको फोल्ड करके रखते हैं। तो उसके बाद आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पेवर की पोशाक को लेकर केयरफुल रहना है। क्योंकि एक्सपेंसिव आती है पेवर की कोई भी ड्रेस हो, कोई भी पोशाक हो, एक ओढ़ना भी अच्छी खासी रेट में आता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आजकल क्या है, शादियों में, फंक्शंस में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि हम लोग हल्दी में अलग ड्रेस पहनते हैं येलो, हम लोग मेहंदी में अलग ड्रेस पहनते हैं ग्रीन, और जो बारात आने वाली होती है या फिर मायरा होता है तो सबका थीम अलग अलग होता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फटाफट से चेंज करने के चक्कर में क्या करते हैं, पोशाक जैसे अभी आपने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने हल्दी के लिए येलो ड्रेस पहनी, उसके बाद जस्ट आपका मेहंदी का फंक्शन है तो आपने उस येलो ड्रेस के ऊपर वो ग्रीन ड्रेस रखी है। पर क्या होता है कि जैसे ही हम येलो वाले ड्रेस को फटाफट से जल्दी के कारण जब उस पर रख देते हैं तो थोड़ी उसमें पसीना, जो गीलापन होता है उससे क्या होता है, उसका कलर एक दूसरे पर चढ़ने का डर रहता है। क्योंकि पेवर का जो होता है उसको पानी से इनसे सबसे बचाना होता है, और जब भी हल्का सा भी पसीने में या किसी भी हो तो उसको हवा लगाना ज़रूरी होता है, उसको सुखाना ज़रूरी होता है, और जब तक वो पसीने से गीली है दो ड्रेस को आप एक साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनका कलर एक दूसरे पे लगने का डर रहता है। तो पहली चीज़ ये, और दूसरी जो मैं बात करना चाहूँगी कि आप जैसे कि अब हम आजकल देखते हैं कि राजपूती जो लेडीज़ हैं उनके अलावा अदर कास्ट में भी राजपूती ड्रेसेस को पसंद बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। राजपूती पोशाक जो सब लोग आजकल पहनना पसंद करते हैं, अगर वो राजपूत नहीं है तो भी राजपूत पोशाक पहनना पसंद करते हैं, तो बोल उन लोगों के लिए भी बहुत ये एक काम का वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई सलाह देता है आपकी ओढ़नी नहीं रुक रही है, अगर यहाँ से आपका पल्ला नहीं रुक रहा है, तो कभी भी इन सेफ्टी पिन्स का यूज़ नहीं करें। ये जो पिन है इसका यूज़ कभी ना करें। तो हमेशा जो है आप इस टाइप के पिन्स का यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से ओपन होती हैं और फिर ये पोशाक में लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से, इस तरीके की पिन का ही आप लोगों को यूज़ करना है। या फिर आप सेकंड चीज़ ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास फाइल, जो हम लोग फाइल में जो पिन्स लगाते हैं या फिर कुछ पेपर्स में उड़ने के डर से हम लोग पिन लगाते हैं, उन पिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो चिटपुट वाली पिन्स आती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट मेरे पास है नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसी पिन्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इनसे पोशाक के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक वाले छेद नहीं होंगे और पोशाक है वो सेफ रहेगी। और हमेशा याद रखिए, पोशाक को समेटते समय न्यूज़पेपर का यूज़ कीजिए क्योंकि न्यूज़पेपर उसको नमी से भी बचाता है। और हमेशा साल में कम से कम एटलीस्ट 2-3 times पोशाक को धूप में रखें, थोड़ी देर के लिए रखें, चाहे मान लीजिए 10-15 minutes। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कभी भी शादी में या किसी भी फंक्शन में पेवर की पोशाक को पहनते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि इतना उसको नीचे तक मत पहनिए कि वो बिल्कुल घिस रहा हो लहंगा। थोड़ी सी मगजी को 1 या 2 angles ऊपर ही रखिए, वरना जब आप उसकी घड़ी करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये पोशाक इतनी गंदी कैसे हो गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। और जो मेरा
पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि पोशाक की घड़ी कैसे करें, तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खवा गणेश।